जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। स्पेशल गाड़ी थी गया तो कलन बोलाया पड़ गया मारो रमण काका पाटली बदलू से माउंट आबू ने हिल ने ऊपर घूम रहे हैं। ये तो माउंट आबू जैसे है तो शंभो शंभो महादेव मांडव ने हिल स्टेशन पर आई गया बदा मांडव ओ हो हाय हाँ तमर तमर आई जाओ आप आई जाओ पर हाँ वीडियो चालू चल दिम नास्ते भी करो आई जाओ बस तू वीडियो ले वो जरा मत आई जाओ बाय जाइयो बाय बाय जाइयो बाय 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 બધું આઈ ગયું हर हर महादेव बोल बका बोलो हर हर महादेव बोलो हर हर महादेव जय महादेव। मेरा पास है कोई नहीं कलेक्टर आया हेलो उधर को हमने कलेक्टर आया ये कलेक्टर आया कलेक्टर नहीं अपन तो संबंधी है यार ना तो गम्मत
फक्कर ही तो हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। कलेक्टर साहब नो पहला फोटो आव फूल थी जाए बुधी जाए હાલ બતાવી દો जय श्री राम। गढ़ कहलाता है, वैसे लोग बोलते हैं कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया, लेकिन जो चित्तौड़ का किले का दीवाल है मात्र 35 किलोमीटर के अंदर है, और मांडू का जो किले का दीवाल है ये 72 यानी कि 72 किलोमीटर की दूरी के अंदर फैला हुआ है। तो एशिया का सबसे बड़ा किला मांडूगढ़, सेकंड नंबर आता है चंदेरी, और चंदेरी के बाद आता है चित्तौड़। ये तीन फोर्ट में मांडू सबसे ऊपर है, और एक्चुअली मांडू का सही नाम था मंडप दुर्ग। क्या नाम था? मंडप दुर्ग। वैसे तो मांडू के नाम बहुत सारे हुए हैं, इससे मंडप्पा गिरी, मंडप्पा चल, मंडपेश्वर, मांडूगढ़, पर सही नाम मंडप दुर्ग। मंडप दुर्ग इसलिए कि मांडू के आसपास पूरा खाई है, जस्ट लाइक वैली। कल आप लोग बस आए ना, तो फोर्ट आता है। किसी दुश्मन को उस जमाने में मांडू किले पर आक्रमण बोलना है तो पहले खाई चढ़ना है, 12 फीट किले की दीवार क्रॉस करना है, और फिर मांडू में एंट्री लेना है। तो इतना कुछ कर पाना उस जमाने में पॉसिबल नहीं था। और राजपूत टाइम पीरियड में क्या था कि आमने सामने की लड़ाई थी तलवार भाले की। समय इस किले का नाम था मंडप दुर्ग, फिर मुगल बादशाहों ने इस सिटी का नाम चेंज किया और उसको नाम दिया शादियाबाद। शादियाबाद का मतलब होता है आनंद की नगरी। और अंग्रेज लोग यानी कि ब्रिटिश लोग इस किले को बोलते हैं सिटी ऑफ लोटस, सिटी ऑफ जॉय। तो अपने अपने समय में लाइक अपने अपने टाइम पीरियड में राजा महाराजा ने बिल्डिंग को चेंज किया है। इसका जो पाया है, इसका जो फाउंडेशन है, वो बेसिकली राजपूत राजा और अफगान मुगल बादशाहों ने इसे बदला है। आज जो कोविड वर्ल्ड में चल रहा है, इस टाइप की बीमारी आज से 350 साल पहले मांडू में आ चुकी है। उसे बोलते थे काला बुखार, जस्ट लाइक ब्लैक फीवर, काला जार। काला जार ऐसी बीमारी होती है कि आदमी को बुखार आता है, काला पड़ता है। मांडू होस्ट सिटी, जहाँ पर कोई नहीं होता है, लोग आके बसने लगते हैं, तो फिर से मांडू चमन हो जाता है। तो यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम 150 साल पुराना है। इससे पुराना कोई बंदा नहीं है, ना कोई राजा का वंशज है, ना कोई सैनिक का वंशज है। उस समय के यहाँ वहाँ जाके पवार हुए, तो ये मांडू का बेस था, मांडू का इतिहास था। अभी हम लोग जिस महल के सामने खड़े हैं, ये नहीं आगे वाला, ध्यान से देखिए आप। वर्तमान में उस बिल्डिंग का नाम है इको पॉइंट, और इको पॉइंट का सही मतलब होता है प्रतिध्वनि बिंदु। आप लोग गुजराती में बोलते पड़गा पड़े। तो पहले इस बिल्डिंग का नाम था दाई माँ का महल, दाई बोले तो उस जमाने की दायन। और इको पॉइंट पे क्या होता है कि हम लोग जितना लंबा शब्द बोलते हैं, जितना बड़ा वर्ड यूज करते हैं, उसका छेल्लू वर्ड यानी कि आखिरी वाला शब्द एकदम स्पष्ट आता है। आखिरी वाले से पहला वाला रुक जाता है और आखिरी वाला क्लियर आता है। 1952-53 में जब नेहरू जी मांडू घूमने आते हैं, उनके साथ में शेख अब्दुल्ला साहब, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी सब होते हैं, और उस समय भी कश्मीर का मुद्दा चलता है। तो नेहरू जी को जब मालूम पड़ता है कि इको पॉइंट पे आखिरी वाला वर्ड आता है, छिल्लू वर्ड आता है, तो यहाँ से नेहरू जी बोलते हैं कि लाइमा कश्मीर पाकिस्तान का भाग है। कश्मीर पाकिस्तान का
आते हैं, स्कूल ट्रिप आती है घूमने के लिए, यहाँ से अपना रिजल्ट पूछती है कि मैं फेल होऊंगा पास तो आएगा पास, अकल से या नकल से आएगा नकल से, तो जितना लंबा बोलेंगे आप उसका आखिरी वाला वर्ड आएगा। और वैसे इंडिया का, हिंदुस्तान का सबसे अच्छा इको होता है साउथ के अंदर, गोलकुंडा बीजापुर, आपने देखा हो सुना हो, गोलकुंडा फोर्ट में ये कंडीशन है, आप एक बार बोलेंगे तो 7 बार इको होगा, यहाँ पर 1 या 2 बार होता है। और इको पॉइंट का साइंटिफिक रीज़न ये है, ये दूरी से होता है, बोले तो रेंज, इसका कम से कम 56 मीटर का दूरी या मैक्सिमम 360 मीटर का दूरी होने पर उसके बीच में एक मकान, बिल्डिंग या खाई होता है और उसमें आवाज़ जाने का रास्ता एक होता है, तो आवाज़ जाती रिफ्लेक्ट होती वापस आती है। हम लोग कई बार देखते हैं हमारा जब मकान बनता है जस्ट लाइक बंगला, वो खाली रहता है। इमरजेंसी केसेस के लिए राजा ने स्पेशल दाई को बिल्डिंग बना के दिया था, और दाई मतलब गांधी जी वहाँ पर हेलो सुनाई दे रहा है, एक बार सुनाई दिया, अगर आपको 2 बार सुनना हो 2 टाइम फिर से बोलो ना भैया, हेलो 2 बार हो रहा है, अब आखिरी वाला वर्ड सुनिए आप लोग, डायमंड कश्मीर पाकिस्तान का है भारत का, कश्मीर पाकिस्तान का है भारत का, तो जो चाहिए उसका आखिरी बोलिए, छेलू वर्ड सुनाई देगा, अगर आप लोग को साथ में बोलना हो तो मैं बोलता हूँ भारत माता की, आपको क्या बोलना है, जय जय, और वैसे नाश्ता हो गया आपका, गुजराती के 3 काम है, खाना घूमना बोलना, यहाँ पर एक यूज कर रहा है, और वैसे भी लेडीज कुछ ज्यादा दिख रहा है, लेडीज का आवाज भी तेज होता है, तो जय बोल के शांत हो जाने का है, बड़ा सा मोटा सा आवाज आएगा, देखिए आप लोग भारत माता की जय, तबड़े वाला है, एक बार बोला था भारत माता की जय, सबको सुनाई दिया, ये हम लोग का पहला पॉइंट है, ये पिक्चर का ट्रेलर है, पिक्चर 3 घंटे की है और लगभग 10-12 जगह देखना है, अहिया थी 4 किलोमीटर आकर्ष रानी रूपमती मंडप से उसका देखने का टिकट लगता है ₹25 मानस का, और इतना टिकट करना पड़ता है, देखो ये हिल स्टेशन है, चढ़ाई है यहाँ पे 0.5 किलोमीटर की चढ़ाई है, अच्छा। आप चढ़ सकते हो तो टिकट लो, नहीं चढ़ सकते हो टिकट मत लेना। यही महल है तो नीचे से भी देख लेते ना, फिर देख नहीं पाओगे आप तक जाओ, लेकिन तो सब हम साथ में जाएंगे, गाड़ी यहाँ खड़ी रहे, તમે જો હું ફોટો વિડીયો પાડું તમારો, हेलो हेलो थाकी जो है तो तुम्हें तो हारु का यादगिरी रेखा हारु आया हो तो રુદ્રાવાર આવી જાઓ બધા, થોડું મૂકી દેજી આ બધું આવશે, એટલે ટુકડો મૂકી દો, ટુકડો અમારો નંબર લેવો પડશે, ના ના યુટ્યુબમાં તો સર્ચ કરો લઈ જાય,
हम लोग जिस पैलेस के सामने खड़े हैं, वर्तमान में इस बिल्डिंग का नाम है रूपमती का मंडप। वो मंडप यानी कि पवेलियन। रूपमती यहाँ पर रहती नहीं थी, इस बिल्डिंग का यूज करती थी। रूपमती यहाँ से रोजाना सुबह 6 या 7 के बीच में, यानी कि अगली मॉर्निंग, नर्मदा जी के दर्शन करती थी। इसलिए इस बिल्डिंग को कहा जाता है रूपमती का मंडप। लेकिन ये बिल्डिंग बेसिकली राजा भोज के समय एक सैनिक छावनी था, इसे बोलते हैं हम लोग आर्मी चेक पोस्ट। तो इस बिल्डिंग का जो सेकंड स्टोरी दिख रहा है आपको, दूसरा मंजिल दिख रहा है, वहां पर सैनिक लोग सुरक्षा के लिए खड़े होते थे। और नीचे अस्तबल था, अस्तबल यानी कि घोड़ों को बांधने का तबेला। तो रूपमती का जो किस्सा था, रूपमती का जो टाइम पीरियड था, वो मुगल शासन काल का था। उस समय राजा अकबर, अकबर का नाम तो सुना आप लोगों ने, चर्चित नाम है अकबर दिल्ली। तो कमांडर का एक ही काम होता था कि पब्लिक से टैक्स वसूल करना, लगान वसूल करना और दिल्ली तक पहुंचाना। तो वैसे रूपमती जो थी वो हिंदू थी, राजपूत थी और एक छोटे से गांव की कस्बे की रहने वाली थी। और उसके पिता उसी गांव के जमींदार थे, वो राजा महाराजा बादशाह नहीं थे, सिर्फ जमींदार। और रूपमती का एक संगीत प्रेमी होता है जिसका नाम था बाज बहादुर। तो बाज बहादुर जो था वो मुगल कमांडर था, अकबर का सूबेदार और मुस्लिम था। तो रूपमती और बाज बहादुर का जो संबंध, जो रिलेशन इतिहास के अंदर बताया गया है, वो संगीत से था। संगीत प्रेमी थे और संगीत प्रेमी रहे। रूपमती की चर्चा में कहा जाता है कि रूपमती इतनी सुंदर थी कि जब वो पान खाती थी, पान समझते ना लोग, पान का पीक उसके गले में कंठ में दिखता था। आप लोगों ने शायद महाराष्ट्र में बाजीराव मस्तानी या चित्तौड़ में पद्मावती का नाम सुना हो, ये बड़ी सुंदर रानियां थी, उनमें से मांडू की रूपमती एक। बताते रूपमती एक राग गाती थी, उसको बोलते हैं मेघ मल्हार। मेघ मल्हार ऐसा राग होता है जिसके गाने से गर्मी के अंदर बारिश चालू हो जाती है। वो रूपमती राग गाना जानती थी। और बाज बहादुर दीपक राग गाता था जिसके गाने से बुझे हुए दीपक जल उठते थे। वो तानसेन जो था वो संगीत का सम्राट था। वो रबाब, भिरवी, मेघ मल्हार, दीपक राग, सारंगी राग, ये जितने भी राग हुए इन सब में पूर्ण था और अकबर के नवरत्न में से एक था। और ये दोनों एक एक राग गाते थे। आप लोगों ने शायद नर्मदा जी के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा कि नर्मदा ऐसी नदी है जिसको कुंवारी बोलते हैं, उसका किसी नदी में संगम नहीं होता है, अमरकंटक से निकलता है और गुजरात में भरूच के आगे समुद्र में जाके मिल जाता है। तो वैसे रूपमती कुंवारी थी, वो नर्मदा जी की भक्तन थी। जैसे आपने भगवान का भक्त होता है, वैसे रूपमती नर्मदा देवी की भक्तन थी। उसने बचपन से ये प्रण किया। एक सफेद लकीर नर्मदा की दिखाई पड़ती है, 28 किलोमीटर यहाँ से दूर है। कल आपने शायद देखा होगा महेश्वर, महेश्वर बोले तो अहिल्या माता का किला, होलकर डायनेस्टी का, उस किले के पीछे जो नर्मदा जी का घाट है वो यहाँ से दिखाई पड़ता है। या फिर चौमासा टाइम में बरसात के दिनों में नर्मदा जी पूर पे चलती है, पानी बहुत ज्यादा होता है, तो दिन में देख लीजिए आप। अभी इस कंडीशन में जाके देख पाना असंभव वाली बात है। आज से 20 साल पहले 50 साल पहले बारिश बहुत होती थी, जगह जगह डैम नहीं थे, तो नर्मदा जी का भाव बहुत तेज था। अभी जगह जगह डैम बन गए, वो पानी का गिरना कम हो गया है, इसलिए आप नर्मदा देखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सुबह आज भी दिखता है मौसम साफ होने पर। और अगस्त सितंबर का जो महीना होता है उसमें नर्मदा जी पूर्व पे चलती रहती है, तो दिन में देख लीजिए। अभी कंडीशन में देख पाना असंभव वाली बात है। शायद आपकी जानकारी में हो कि MP यानी कि मध्य प्रदेश दो भागों में डिवाइड है, एक तो मालवे का पठार मालवा प्लेटू और दूसरा निमाड़ की वैली। तो कल आपने जो ओकारेश्वर, महेश्वर, धामनोद, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, सेंधवा, ये विंध्याचल की रेंज के अंदर मांडू किला, मांडू फोर्ट बसा हुआ है। तो 1555 से लेकर 1565 यानी कि 10 साल रूपमती और बाज बहादुर का संगीत प्रेमी का किस्सा चलता है। उसके बाद बाज बहादुर एक युद्ध में यानी कि एक फाइट के अंदर मारा जाता है। हमारी MP में एक शाजापुर डिस्ट्रिक्ट है, उसी में छोटा सा गाँव है सारंगपुर, नाम सुन मैं आपको, एक सारंगपुर आपके गुजरात में भी, अहमदाबाद के अंदर हनुमान जी वाला, एक हमारे MP में। तो वहां पर उसकी फाइट होती है, और फाइट किससे होती है, अकबर का कजिन भाई जिसका नाम था आदम का कोका। मैंने जो दाई के बारे में बताया आपको महामंगा, उसके बेटे का नाम था आदम का कोका। तो बाज बहादुर पहले अकबर का 7 साल कमांडर था, सरदार था। उसके बाद बाज बहादुर ने अपने आप को अकबर से बगावत करके मांडू मालवे का स्वतंत्र
राजा नियुक्त किया। फिर अकबर के वाक्य मालूम पड़ा कि मेरे सूबेदार ने मुझसे बगावत करके अपने आप को मालवे का सुल्तान घोषित कर लिया है। तो अकबर ने उसके कजिन भाई आदम का कोका को दिल्ली से राज बहादुर को मारने के लिए मांडू किले भेजा। है कि थाली में पूजा के दीपक, थाली में पूजा के दीपक, दीपक है विश्वास के मोती, थाली में पूजा के दीपक, दीपक है विश्वास के मोती। एक पुजारन, पुजारन समझते हैं आप लोग, तो क्या बोलता है कि एक पुजारन मंदिर आई, आकर उसने जोत जलाई। कोने में बेटा बाज बहादुर, कोने में बेटा बाज बहादुर सोच रहा मन ही मन में कि ये तो एक खुद पूजा के काबिल, फिर पूजा करने क्यों आए। यानी कि वो इतनी सुंदर थी कि लोग उसको देख के पूजा करते थे, उसका नाम तो मीनिंग है रूपमती, रूप की रानी थी वो, तो ये तो एक खुद पूजा के काबिल, फिर पूजा करने परेशानी है। आपका गला इतना अच्छा है, एक्चुअली मैं सिंगर ही था, लेकिन क्या है कि दिल्ली नहीं, वो अपनी मनमानी चलाता है, वो गवर्नमेंट को उसको ले देना नहीं है, कलेक्टर है वो, गवर्नमेंट क्या है, कलेक्टर बना कर दिया, चल बना बंद कर दिया, गवर्नमेंट नहीं बोलता, हस्तक्षेप नहीं इस डिपार्टमेंट में, सेंट्रल से काम चलता है, दिल्ली से कलेक्टर भी कुछ कर नहीं सकता है, सीधा दिल्ली से कामकाज होता है इसका, कलेक्टर का होता था अभी गाड़ी ऊपर, किसी को हम देंगे दिक्कत हो ऊपर चढ़ने की, वो गाड़ी में आए किसी को नहीं भेज भेजना, किसी गाड़ी नहीं आनी, लोग मानते नहीं ना, ये गया तो हम क्यों नहीं जाएंगे, नहीं नहीं जाएंगे, मना है, सीधे सिटीजन को ही आने देना चाहिए। નહીં આવે કર્મ તો તમને છે, બીજા માણસ બેઠા વાતો કરીએ, ધ્રુજી વચમાં પેટમાં પાપ ના હોય કર દે બંધ, હો કર દે, આઈ બીજું સ્ટેન્ડ રાજબહાદુર કામ ઘોર જમાઈ છે પરિક્રમા સમસ્યા આપો, गुजरात से बहुत लोग आते हैं, तो गुजरात से जब निकलते हैं परिक्रमा के लिए तो हमारे मांडू में आना कंपलसरी है, सेवा कुंड के लिए इस कुंड के साथ ना आते हैं।
सरस्वती, गोदावरी, कावरी, लेकिन नर्मदा सबसे टॉप पर है। बाकी जितनी नदी है वो दक्षिण या पश्चिम की ओर से आती है, लेकिन नर्मदा ऐसी नदी है ये पूर्व से आती है और पश्चिम की ओर जाती है। बाकी सब नदी में नहाना होता है, इनके दर्शन भर से ही काम हो जाता है। इनके बारे में इतिहास में तो नहीं, पुराणों में ऐसा लिखा है कि शिव जी ने अमरकंटक में हजारों करोड़ों साल तपस्या की थी, उनके पसीने के बूंद से नर्मदा जी का रूप बना था, उनकी बेटी के समान है वो कुंवारी नदी है। बाकी सब नदी आपस में ज्वाइंट होती है, ये सीधा समुद्र में जाती है। तो रेवा का मतलब नर्मदा मैया, तो यहाँ पर रेवा कुंड है और बिल्डिंग के अंदर एक स्विमिंग पूल है, और आप लोगों ने शायद देखा हो तो रहट डब्बे वाला, इसको क्या बोलते हैं, कोस, रेट बोलते हैं, कोस बोलते हैं, जिसको चलाते हैं पानी ऊपर चढ़ता है। तो रेवा कुंड के सामने जो वड़ का झाड़ है इसके नीचे वाव थी, वाव से रहट के माध्यम से बिल्डिंग के अंदर पानी सप्लाई होता था, उससे बिल्डिंग एयर कंडीशन बोले तो एसी प्लस पानी सप्लाई। तो पहले का 4 फीट मोटा दीवार, उसके अंदर पानी का चैनल, पत्थर बोले तो सैंडस्टोन राजस्थान वाला, उससे बिल्डिंग 24 आवर ठंडा रहता था। आज मांडू का जो टेम्परेचर गर्मी में होता है वो 44 के आसपास होता है, पर गर्मी क्या लगता है बिल्डिंग के बाहर, जैसे आपने बिल्डिंग में एंट्री मारा आप फील करेंगे एसी में आगे। तो पहले का दीवार काफ़ी मोटा होता था और उसमें चूने की जुड़ाई लाइम, और लाइम जो होता है पानी को सोखता है, इसलिए बिल्डिंग को ठंडा रखता था। अंदर आपको पानी की चैनल दिखाऊंगा मैं, आइए एक मिनट। हाँ सर, ओंकारेश्वर में हमें ये बताया गया कि यहाँ संगम स्थान है, कुवेरी नहीं, हाँ कुवेरी 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 रिवर। हाँ तो आप बोल रहे हैं कि नर्मदा कुआ, कुल मिला के ये है कि नर्मदा जी यहाँ से निकलती है, वो किसी में ज्वाइन नहीं होती, वो सीधा समुद्र में जाती है। आप किसी भी पुराण में या किसी भी इतिहास में पढ़ेंगे तो नर्मदा जी का महत्व सबसे ऊपर बताएंगे, और किसी नदी की परिक्रमा नहीं होती है, सिर्फ नर्मदा की होती है, इसीलिए कि वो कुंवारी है, वो सीधा निकल के समुद्र में जाके कुवेरी है, वो सही कुंवारी सही है, उसमें कोई मिल जाए बात अलग है, पर वो किसी में जाके मिलती नहीं, वो सीधा समुद्र में जाती है। नर्मदा जी ने नर्मदा जी कावेरी नदी है, ये सीधी जाती है। चलो राणा जो राजनो मेल है, राजनो मेल जो आई बात बात है, पानी का चैनल दिख रहा है, यानी दिख रहा सामने, देखिए दीवार के ऊपर, वॉल के ऊपर देखिए पानी का चैनल दिख रहा है आपको। पहले वो गेट नहीं था, गेट गवर्नमेंट ने बनाया, दीवारों के बीच में से पानी होकर चैनल के माध्यम से आगे स्विमिंग पूल के अंदर घुसता रहा, यहाँ के देखिए दिख जाएगा आप लोग, देखिए फिर आगे बढ़ जाइए दूसरे देखिए, हेलो आगर हेड़ो आगर दरवाजो ने एसी जो एसी बद्दी पाइपलाइन से पानी नीचे ऊपर आई थोड़ा ऊपर आइए ये पाइपलाइन दिखी आपको, वो पहले गेट नहीं था, गेट जूना जमाना ने एसी किया हुआ है, राजाओं ने एसी किया हुआ यार, राजाओं मानता था तो बोलिए वर्तमान में इस बिल्डिंग का नाम है बाज बहादुर का महल, वैसे इस बिल्डिंग को बनाया था नसीरुद्दीन खिलजी ने 1508 के अंदर, तो लगभग 500 वर्ष पुराना बिल्डिंग है। बाद में बाज बहादुर अकबर का सेनापति बनकर मांडू किले में नियुक्त होता है, तो वो उस बिल्डिंग को चेंज करता है लाइक मॉडिफाई, और उसे अपने महल का नाम देता है, तब से इसे कहा जाता है बाज बहादुर महल। तो आगे उसके रहने के रूम थे, संगीत कंपटीशन हाल थी, ये नहाने का स्विमिंग पूल, और ये जो रूम दिख रहा है आपको ये सैनिक कक्ष। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि बाज बहादुर 7 साल
अकबर का सूबेदार था, लाइक कमांडर लाइक सरदार, और उसके बाद 3 साल मांडू और मालवे का राजा था। तो राजा होने के बाद तो पूरा मालवा उसका हैंडओवर था, लेकिन जब तक कमांडर रहा तब तक सैनिक के साथ में इस बिल्डिंग में रहा। आज शायद आपको मालूम होगा कि एमपी की राजधानी भोपाल है, जानते हैं आप लोग। वैसे पहले मालवे की राजधानी मांडू थी, तो मांडू जो था ये कैपिटल था, यहाँ पे राज करना यानी कि मालवे पे राज करना। फिर सुल्तानों के समय उनके जो सम्राट थे वो दिल्ली में होते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में 1296 के अंदर दिल्ली में फतेह किया और पूरा हिंदुस्तान उसके हैंडओवर था। उसने हर जगह अपने सेनापति भेजकर पब्लिक से टैक्स वसूल चालू किया, लगान। तो यहाँ पर कमांडर पब्लिक से लगान वसूल करके दिल्ली तक पहुँचाते थे। उसके पहले परमार काल में मांडू राजधानी थी। वैसे हमारा राजधानी पहले भोपाल है, पर महानगर इंदौर कहलाता है। इंदौर बड़ा सिटी है, आप गुजरात से आएंगे ट्रेन से फ्लाइट से तो इंदौर ही आएंगे। तो ये जो पेड़ दिख रहा सामने आपको, देखिए ये मांडू की प्रसिद्ध इमली का पेड़ है। ऊपर देखा आपने इमली बड़ा वाला, गुजराती में ऐसा लोग बोलते हैं गोरो सामने के वाय। तो इसकी खासियत ये है कि वर्ल्ड में 3 जगह पाई जाती है, वर्ल्ड में 3 जगह ज्यादा होती है। एक तो सोसी का तना होता है, और अफ्रीका में इस पेड़ को बोलते हैं बाओबाब ट्री, बाओबाब फ्रूट। और मांडू बोलते हैं खुरसानी इमली। अफगानिस्तान में एक शहर का नाम है खुरसान, वहां से इसको लाया गया था, इसलिए नाम रख दिया इसका खुरसानी इमली। और पहले के टाइम में इसका यूज ये था कि युद्ध के दौरान यानी कि फाइट के अंदर कभी सोल्जर को प्यास लगी तो उसको खाने से उस समय की प्यास कम हो जाती थी। उसे स्पेशल 1435 के अंदर यानी कि 1435 AD में महमूद शाह खिलजी ने अफगानिस्तान से बुलाया था। अफगानिस्तान, अफ्रीका, मांडू, वर्ल्ड में 3 जगह। तो मांडू की 2 चीजें फेमस है, एक तो इमली देखा आपने, और दूसरा स्पेशल इंदौरी पान। और इत्तेफाक से मेरी दुकान है 20 साल से, तो आपके होटल के सामने माधव पान प्लेस देखा है, वो मेरा घर भी है, दुकान भी है। जिसको खाना हो साथ में ले जाना हो तो ले भी जा सकता है, 2-4 दिन पान खराब नहीं होता है। अब घर जाके आपने फ्रिज में मोक दिया तो महीने भर तक चलेगा, क्योंकि मसा 20 रुपये ओनली, 20 रुपीज ओनली। वैसे लगता 30 रुपये है, वो बस से घुमाता हूँ मैं, 10 रुपये डिस्काउंट कर रखा है। अगर आप सिंगल पान लेंगे तो वो 30 रुपये का ही होता है। तो वो क्या है कि बड़ा ग्रुप रहता है, ज्यादा पान लेते हैं, इसे 20 का रखा है। तो जिसको खाना सुनते थे, और आज भी हम लोग इस रूम में कुछ गाना गाते हैं तो आवाज को फिल्टर करने की आवश्यकता नहीं है, नेचुरल फिल्टर है। तो सरपंच साहब हमारे बीच में जो है वो सिंगर है, वो आपको एक गाना सुनाएंगे, सबको सुनना है। पीछे जाइए, बहुत गेप कर रखा सर, आप ध्यान नहीं दे।
नसरुद्दीन खिलजी इतना शराबी किस्म का राजा था कि सोते बैठते उठते जाते जागते शराब पीता था। एक बार उसका दोस्त होता है यानी कि फ्रेंड होता है, वो उसको शराब पीने से मना करता है और एक उर्दू के शहर के अंदर बोलता है, ऐसा बोलता है कि मिली ना जन्नत में मैं, मिली ना जन्नत में मैं तो बता साखी क्या करेंगे। इसका मतलब कि स्वर्ग में शराब नहीं मिली तो बता दोस्त क्या करेंगे। तो नसरुद्दीन खिलजी का ऐसा जवाब होता है, बोलता है कि ले चलेंगे बोतल कफन में दबाकर। आदमी को जो भी चीज़ प्रिय होती है उसके मरने के पश्चात उसकी कफन के साइड में रखते हैं। क्यों रखते हैं? उसका आत्मा ना भटके, इसलिए। तो उसका बोलने का मीनिंग ऐसा है कि ले चलेंगे बोतल कफन में दबाकर, वहीं घटाघट पिया करेंगे। तो अगर पूछेगा खुदा तो दो घूट उससे पिला देंगे। बाद महाराष्ट्र में एक सिटी है पुणे, पुणे का नाम सुनो आप लोगों ने, वहाँ पे एक महात्मा जी होते हैं जिनका नाम होता है रघुनाथ जी महाराज। उनको कई बार सपने में भगवान दिखते हैं, मूर्ति दिखती है। तो कई बार सपना आने पर वो मांडू आते हैं, मांडू आके देखते हैं तो काला बुखार के चक्कर में या पब्लिक ही नहीं होता है। फिर उन्हें मालूम पड़ता है कि धार में रानियों का राजपाट है जिनका नाम था सक्कूबाई पवार, मीराबाई पवार, धार मांडू की रानियाँ थी वो। तो महात्मा जी रानी साहिबा से मिलते हैं, उन्हें सपना सुनाते हैं, मुझे सपना आया है कि मांडू में एक तल घर है, उसके अंदर राम जी के साथ कई सारी मूर्ति विराजमान है। तो रानी साहिबा उन्हें कुछ सैनिक देती है, तो सैनिक के पर्टिकुलर खोजबीन करने पर उसी जगह पर तलघर मिलता है, जाने का रास्ता मिलता है और नीचे राम जी की मूर्ति और उनके साथ कई सारी ये मूर्ति रहती है। तो रानी को स्पेशल धार से मांडू बुलाते हैं। रानी सोचती पॉपुलेशन तो यहाँ पे नहीं, क्यों ना इस मूर्ति की स्थापना मैं अपने घर पे कर दूँ राजवाड़ा में। तो हाथी को बुलाते हैं, हाथी के ऊपर मूर्ति रखते हैं, हाथी दो कदम चलता बैठ जाता है। तो रानी सोचती इससे अचानक क्या हो गया। तो ऐसा लगभग रानी ने एक दिन के अंदर 5 हाथी बुलाए लेकिन कोई भी हाथी गेट क्रॉस नहीं पाया, क्रॉस कर पाया। तो महात्मा जी ने समझाया रानी साहिबा को कि मूर्ति जो अद्भुत है और चमत्कारी है, मांडू छोड़ के जाना नहीं चाहती है। तो ऐसा मूर्ति आपने हिंदुस्तान में कहीं देखी? जय जय जय। अरे पड़ी गई वगैरह चतुर्भुज श्री राम, चतुर्भुज श्री राम, जय श्री रामचंद्र भगवान, जय राम जी दर्शन करो। रामानंद
जय हनुमान जी महाराज की जय हो। चतुर्भुज हनुमान पहला दर्शन करो ले लो तुम दर्शन करो पहला भगवान ले अरे निकाल ले अजेंद्र नीचे गुफा में सके ये ना हाँ अच्छा जब इनका गुफा से यहाँ से पकेला के लिए बारह दे दो મુગલો આક્રમણ કર્યું ને ભગવાન ની મૂર્તિ છુપાઈ દઈ ગયા જય રામચંદ્ર ભગવાન ભગવાન રામજી ને સંતાડવામાં આવેલા જયારે મુગલો આક્રમણ કરેલું એ વખતે ભગવાન ની મૂર્તિઓ અહીંયા આગળ છુપાવવામાં આવેલી અને પછી મૂર્તિઓનું મંદિર બનાવવામાં આવ્યું મુગલ આક્રમણ પૂરું થઈ ગયા પછી અલી આવું એટલા રોકવા બધો નો સ્ટોપ કરો ઓય ગર્દી થાય અમે જઈએ પછી આવો જગ્યા નહીં ઓક્સિજન નહીં મળે એટલે
ભગવાન અગર કઈક મૂકવું ઉપર હોમ તો કઈક ખાલી ભગવાન દર્શન ના થાય પણ મંદિર જે તમે દેવ મંદિર નો ખાલી હાથ ના જાવ ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી એ યાદ રાખવાનું જો ક્યાં ના જવા ગુરુ ના ઘેર મા બાપ ના ઘેર દીકરી ના ઘેર બેન ના ઘેર અને દેવ મંદિર માં પાંચ જગ્યા કદી ખાલી હાથ જવા હા કશો ચાલુ છે વિડીયો ચાલુ છે જય શિયા રામ મહાન મહેલ માંડવગઢ નો મહેલ यानी कि देखा जाए तो मालवा के अंदर जब मांडूल के अंदर सुल्तान गयासुद्दीन 1469 में आए थे तो मांडूल के अंदर 1500 रहने के फोटो ले आओ ना आप મતલબ ટ્રાઇબલ લોગ ઉનકે પાસ માંડુ મેં કુછ કામ તો હૈ નહીં ઇન્ડસ્ટ્રી તો હૈ માંડુ મેં જો કામ કાજ કરેંગે કુછ ખેતી બાડી કરતે હૈ વો કુછ ટુરિઝમ પે ડિપેન્ડ હૈ તો ખેતી બાડી કરને વાલે બંદે ટ્રાઇબલ લોગ ઇસકા પાણી સિંચાઈ કે અંદર યુઝ કર દેતે હૈ इससे गर्मी आते आते पानी खत्म हो जाता है आज से 30-35 साल पहले प्रॉपर मांडू में लगभग 5 हिंदी पिक्चर का शूटिंग हो चुका है एक का नाम तो बताया आपको मैंने रानी रूपमती जो 35 साल पहले पहला पिक्चर बना था मांडू का सेकंड मूवी का नाम था प्राण दिलीप कुमार फरीद रमन का दिल रूपा तेरे प्यार ने क्या क्या ना किया दिल दिया दर्द लिया पिक्चर का नाम भी दिल दिया दर्द लिया तीसरा बना गुलजार का किनारा जितेंद्र धर्मेंद्र हेमामाली नाम घूम जाएगा चेहरा बदल जाएगा मेरी आवाज की पहचान है उसका शूटिंग पूरा मांडू का ही है फोर्थ वन बना मांडू में जीने नहीं दूंगा शत्रुघ्न सिन्हा राज बब्बर रोशनी धर्मेंद्र का डाकोर का पिक्चर है तुम याद आया तो याद आने से पहले आ जाएगा और लास्ट एक फिल्म बना था नानी पर 2019 के अंदर सलमान खान का एक मूवी आया था दबंग कोविड के पहले उस मूवी का जो स्टार्टिंग पिक्चर का ट्रेलर 7-8 मिनट का वो मांडू पे ही इस सूखे तालाब से इस बिल्डिंग को दिखाया वो सामने वाली आर्चर्स दिख रही वो दिख रही है आप लोग को तो अगली बार जब भी देखेंगे दबंग थ्री आपको आपको मालूम होगा कि आपने मांडू देखा उसके 8 साल पहले मांडू में यमला पकड़ आवी देव का एक आवी देव है उसके रहा था उसका पिक्चर का शूटिंग नेशनल हुआ पूरी गाना मांडू का उसका सामने का हिस्सा है पीछे उसका बैक साइड दिख रहा आपको आई साइड में उसके पांव वहां पे सामने का जो हिस्सा दिख रहा है स्ट्रक्चर ये गवर्नमेंट ने भी बनाया है मेरे वहां पर रहने के चेंजिंग रूम थे तो ये जो हिस्सा है ये रानी की चेंज करने के हिसाब से था और ये जो वॉक करके आए आप लोग ये लेडीज के रहने का हम था तो 19 से कनेक्ट ये स्विमिंग पूल है साइड में बावड़ी बावड़ी मतलब बाव बरसात का छत का जितना भी पानी होता था
ऊपर का है ग्राउंड का, उसमें जमा करते थे और बाद में उसी पानी को यूज में लेते थे। मैंने आपको रूपमती मंडप पे बताया था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मांडू के हर एक बिल्डिंग में कंपल्सरी पानी का टैंक के अभाव दिखेगा, तो बरसात का पानी यहाँ पर जमा करके बाद में उसका पानी यूज में लेते थे। और बावड़ी और कुएं का इतना अंतर होता है कि बावड़ी में रास्ता होता है स्टेप्स, आप जाके पानी ले आइए, वो कुएं में 80-20 पानी लेना पड़ता है, उसका रास्ता भी था गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। दिखाता हूँ ग्राउंड का आज भी पानी आता है और आप लोग बावड़ी के ऊपर खड़े हैं, इसके नीचे बावड़ी है, उसमें पानी को जमा करते थे बाद में उसका पानी यूज लेते थे। ये जाने का रास्ता तो गवर्नमेंट ने बंद किया है, वो रोशन नाम था सनलाइट के वेंटिलेशन। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मांडू जितना ऊपर उतना नीचे, तो ये एरिया का बावड़ी का जो रेंज है वो विद्या के बेड तक है, इधर आधा रेलिंग तक है, इधर का मुझे मालूम नहीं है। तो कुल मिला के ये कि नीचे वाव बहुत बड़ी है, आसपास तालाब होने से ऑल टाइम पानी रहता है, इसी पानी से गार्डन मेंटेन होता है गर्मी में। तो ये तालाब में पानी दिख रहा है आप लोग को, क्योंकि इसका पानी यूज नहीं करते हैं, पीछे तालाब का पानी सूख गया है तो सिंचाई के अंदर यूज कर लेते हैं। और दूर में जो बिल्डिंग दिख रहा है आपको सामने, वो दो दीवार दिख रही है आपको, वर्तमान में उस बिल्डिंग का नाम है गदा शाह की दुकान। और गदा शाह बोले तो उस जमाने का इस एरिया का नगर सेठ, उस जमाने का धीरूभाई अंबानी था, उनका रिच पर्सन था, कि समय आने पर राजा को फाइनेंस करता था। और आपने इतिहास के अंदर पढ़ा होगा कि हर राज दरबार में एक फाइनेंसर होता था, तो गदा शाह उन्हीं में से था। ये उस जमाने का नगर सेठ था, वो जो बिल्डिंग दिख रहा है वो उसका किराने का दुकान था, जस्ट एक शॉपिंग मॉल। तो वो 3 मंजिला बिल्डिंग गिर चुका है, वो रोड से बाजू में जो बिल्डिंग दिख रहा है आपको सामने, दीवार दिख रही है, ये उसका पैलेस था। तो राजा ने स्पेशल उसको रहने का जगह दिया था, तो ये उसका पैलेस, वो उसकी दुकान, इस एरिया का नगर सेठ। आज भी किसी दुकानदार और ग्राहक का झगड़ा होता है तो ग्राहक क्या बोलता है, तू गदा शाह है क्या? पत्रात पण इतिहास पत्रावा इतिहास सुपायलो स्टोरी बड़ी तो खबर पड़े तनखा ऊपर मेल हूं से हां अपने घेरे बनावो खबर पर का घर शिव बनाई हां बना से आओ तो पैसा हो तो बनाई आओ ये આપડે આખા ગોમ નું બને, આખા ગોમ નું એ ના બને, उड़दा दाल बिल्ला कथा इन सबको मिलाकर उसका जो मसाला पेस्ट बनता था उससे बिल्डिंग को बनाते थे। और आज भी गवर्नमेंट को कुछ काम करना हो उसी तरीके से मेंटेन होता है, तो चूने की घंटी ही है मेंटेनेंस करने के हिसाब से। चूना नहीं घंटी, चुनानी घंटी नथी सीमेंट बने ये लोग नो सीमेंट बना सीमेंट हाँ फेरो चुनानी घंटी जो पॉकेट ना पॉकेट ना पड़ी ने જો જો મણકો ના ખાઈ જાય ને કે તો મરગન ગંટન જગ્યા બીજું થાય ઓહો
ओए रमीबेन येडो तो पाच चौकन ने जे जोवानो हन साधन हेरो कोई नहीं नो फेरो चलो आओ हेड़े दी मदी मतलब हां तरीके से बनता मजबूत बनो लागे ए मजबूत है ए हमारे गाइड लोग बसों में गाइड नहीं जाते क्यों नहीं जाते मतलब 50 लोग होंगे यार दिमाग बहुत गड़ना पड़ेगा जोर से बोलना और जो भी करो बेस्ट करो अपने काम में विशेषज्ञ होना चाहिए आपको। चलो मासी आगे सब लोग आगे आगे। देखिए सब सामने जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है वर्तमान में इस बिल्डिंग का नाम है हिंडोला महल जस्ट लाइक हिंडोला पैलेस। तो हमारी मालवी भाषा में गुजराती मराठी में हिंडोलो को झूला कहते हैं। तो इस बिल्डिंग की जो वॉल है वो स्ट्रेट नहीं है सीधा नहीं है जस्ट लाइक स्लोपिंग वॉल। आप यहाँ से नहीं कहीं से भी घूम के दिख लीजिए तो ऐसा लगता है लुक लाइक स्विंगिंग झूले की तरह। इसलिए इस बिल्डिंग को कहा जाता है हिंडोला महल। वैसे इस बिल्डिंग का सुल्तानों के समय यूज ये था ऑडियंस हॉल लाइक मीटिंग हॉल। जैसे हम देखते हैं दिल्ली आगरा में दीवाने आम दीवाने खास आपने सुना होगा देखा होगा। तो दीवाने आम का मतलब ये होता है कि उसमें आम जनता होती है और राजा होता है। और दीवाने खास का मीनिंग ये होता है कि VIP होते हैं रॉयल फैमिली होती है मंत्रीगण होते हैं। तो दीवाने खास था उसको बाद में चेंज किया मॉडिफाई किया और उसे हिंडोला पैलेस का नाम दिया। और बिल्डिंग की खासियत है कि बिल्डिंग का पाया नहीं इसके अंदर इसका पाया नहीं है इसलिए इसका बेस बहुत मोटा है ऊपर जाके स्लोप में दे दिया है। तो विदाउट फाउंडेशन बिल्डिंग है उसका एक कारण है कि इसके नीचे पूरा भोईड़ा है। यहाँ एक रूम है सामने एक रूम है पीछे एक रूम है। इसे बोलते हैं इतिहासकार कि शस्त्रगार लाइक आर्मरी रूम। तो ये जो रूम ये जो सब लोग बैठे हैं ये सनलाइट के लिए वेंटिलेशन होता था और ये रूम का एंट्रेंस था। अभी नीचे चामाचिड़िया बहुत से स्मेल आता अंधेरा है इसलिए गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। तो मांडू जितना ऊपर है उतना जमीन के नीचे आपको बता चुका हूँ ये बता भोईड़ा से। और ये पत्थर जो दिख रहा है आपको पत्थर मांडू का नहीं पत्थर राजस्थान का है। राजस्थान में एक ढोलपुर सिटी का नाम है उसे बोलते हैं ढोलपुर स्टोन सैंड स्टोन राजस्थान से बुला के लगाया गया। ऊपर का जो हिस्सा दिख रहा है आपको ये मुगल टाइम प्लेट का है। वैसे ईंट का जो आविष्कार था वो हड़प्पा संस्कृति से स्टार्ट हो गया था मोहन जोदड़ो के समय से बाद में कुछ समय बंद हो गया। फिर अकबर का जब टाइम प्लेट आया मुगल टाइम तो ईंट कवर खोने लगा। तो आपको ईंटें जो दिखती है मुगल टाइम की है और जो पत्थर दिखते हैं ये राजपूत टाइम प्लेट के हैं। तो ये बिल्डिंग की खासियत है कि स्लोपिंग वॉल है और इंग्लिश का जो टी आता है बिल्डिंग का डिजाइन आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा उधर सीधा बिल्डिंग ऊपर से देखने लगता है लुक लाइक टी। तो स्लोपिंग वॉल होने से इसको बोलते हैं झूला महल जस्ट लाइक स्विंगिंग पैलेस। उनके पीछे उनके पास हो रेडी स्पेशल फूड आने वाला है। हाँ सही बात मैं बैठ जाऊँ ओके बे मिनटू बढ़ जाओ अपना वीडियो ले लिए चलो साहब ये उस जमाने का दीवाने खास था। आप यहाँ के राजा है आपकी पब्लिक है आप इनकी मीटिंग ले रहे हैं इनकी सुनवाई कीजिए आप इनको क्या समस्या है उसका सॉल्व कीजिए आप। समस्या तो सबको फोटो दे देने का हाँ वो समस्या मिल जाएगी वो समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके चलो भारत माता की जय।
शाही का मतलब होता है रॉयल। हमारे मांडू में चार शासनकाल में राज हुआ था, परमार, सुल्तान, मुगल, पवार, इन सब का पहले था। अभी किसका रूम कहाँ था बताना मुश्किल है। राजा भोज की टाइम से लेके रूपमती तक सभी का पहले था। तो रूपमती के नीचे था बेसमेंट दलघर, अभी चामा जी का भोज से कहलाता है, तो तीन मंजिल ऊपर था। फिर रहने का पैलेस था रॉयल पैलेस। ऊपर बिस्किट ओरियो सी है पसे बिस्किट पर तो आप जाओ एक बार ठंडा पानी जाता था, एक बार गर्म पानी जाता था। पानी पोछा नहीं पिए, ये नालियां लिखी आपके सामने, छिलम दो नालियां, किसमें ठंडा पानी किसमें गर्म पानी। पानी को स्टोरेज करने के लिए ये पानी की टंकी है और साइड से पानी का आउटलेट था बोलने से। ये नॉर्मल सा बाथरूम हो गया जो हर जगह आपने देखा होगा, और इसे बोलते हैं स्टीम बाथ, सोना बाथ, जो आजकल बड़ी बड़ी सिटियों में चलता है उसे स्पा बोलते हैं, जिम में होता है। तो आज से 500 साल पहले भी स्टीम बाथ था, वो किस तरीके से करते थे वो ध्यान दीजिए आप। यहाँ से आग जलाते थे, फायर लकड़ी जलाते थे, या पानी का बर्तन था, एक पानी का टब होता था, पानी से जो भाप बनती है वो भाप इन छेदों के माध्यम से ऊपर जाती है। और ये जो बारीक बारीक होल दिखे आपको पीछे देखिए, बहुत सारे छेद है, इनमें स्टीम बन के निकलता था। जो आजकल जिम में होता ना स्टीम, वैसे स्टीम निकलता था। यहाँ पर एक कलर टाइस थी, निकल चुकी है, ये 15वीं शताब्दी के अंदर का बना हुआ है। तर्किस्तान से तुर्किश बाग का नहीं आया था, उसके पहले नहीं था। हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, सोना बाग, स्टीम बाग, अब बचे शावर। तो बरसात के दिनों में जब जब बारिश होती है चौमासा टाइम में शावर चालू हो जाते हैं, तो ये तो सब बंद है, ये आदमी चलता है। और आपने बचपन से एक मुहावरा सुना होगा कि दिन में चांद तारे नहीं दिखते हैं, पर आप जहाँ खड़े हैं या दिन में चांद तारे भी देख सकते हैं। तो अगली बार कोई चांद तारे की बात करे मेरे पास भेज देना, मैं दिन में चांद तारे निकाल दूंगा। तुझमें तीन गुण रंग रूप और वास, चंपा तुझमें तीन गुण रंग रूप और वास, अवगुण तुझमें कौन सा, अवगुण तुझमें कौन सा जो भवर नाय पास। इतना तो सब लोग जानते हैं, ये इसका प्रश्न था। और इसकी उत्तर की दो लाइन ऐसी है, ऐसा बोलते हैं कि चंपा लागे राधिका वर, भगवान श्री कृष्ण की 16108 गोपियां थी, उनमें चंपा एक पत्नी के समान लगती है। वो जो भौरा होता है वो भगवान का दास लगता है और भगवान को अपने पिता के समान मानता है। तो बोलते हैं कि चंपा लागे राधिका वर, भौर लागे हरि का दास, और माँ अपनी समझकर भवर नाय पास। बाकी और फूल को लव करता है, प्यार करता है, इसको माता समान मान के छोड़ देता है। आया समझ में? अब एक लाइन में सुन लो आप लोग, कि चंपा तेरे तीन गुण रंग रूप और वास, अवगुण तुझमें कौन सा जो भवर नाय पास। चंपा लागे राधिका वर, भवर लागे हरि का दास, और माँ अपनी समझ कर भवर नाय
छल्लो टाइम लोधरा जवा छेलू चलो आशीर्वाद।